अलैकुम, वेलकम टू नाजियाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब तो माशाल्लाह से ईद आने वाली है और ईद बिल्कुल करीब है। और आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसी हुई ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आपको जो है वो अपनी ड्रेस कलेक्शन दिखा रही हूँ। ईद की ड्रेसेस नहीं है, एज होल जो ड्रेस कलेक्शन है वो मेरी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था। कमेंट जो आया था वो आया था सज सज हैं, पता नहीं उनका मुझे रियल नाम नहीं पता, SJJ उनका है उस पे कमेंट करती हैं उस नाम से, तो उनका मुझे रियल नाम नहीं पता। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी ड्रेस कलेक्शन दिखाएं, तो फिर मैं आपको अपनी आज ड्रेस कलेक्शन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है मेरा ये एक ड्रेस है, और ये मैंने जो है खाड़ी से लिया था, और ये इस पे जो है ना बिल्कुल फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, नीचे तक एम्ब्रॉयडरी है। और इसकी जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी, और ये स्लीव्स जो है ना वो मैंने बेल शेप जो है बनवाई थी। और ये इसकी आप नज़दीक से भी देख लें कि ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, इसका जो दुपट्टा था वो ये है, इस तरह का दुपट्टा मैंने ले लिया था। और इस पे मैंने जो है वो पाइपिंग जो है वो ऑरेंज कलर की करवा ली थी, तो वो इस तरह इससे जो है ये इसका जो लुक था वो अच्छा लग रहा था। ठीक है, मेरे ड्रेसेस को इतने ज़्यादा मैं डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करवाती, अपने ड्रेसेस के ज़्यादा नहीं होती। हाँ, ये होता है कि मेरे ज़्यादातर आप जितने भी ड्रेसेस देखेंगे उस पर एम्ब्रॉयडरी ज़रूर हुई होगी, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले। ठीक है, अब दूसरे ड्रेस की तरफ आते हैं। अच्छा, ये है मेरा दूसरा ड्रेस, ये देखिए इसका होल लुक। और ये भी मेरा खाड़ी का ड्रेस है, और इसकी ये देखिए इस पे ये इन्होंने अलग से पट्टी ऊपर से लगा के की है, इस तरह से इसके साथ मिली थी। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो बहुत अच्छी हैं, उस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई। और ये जो है ना मैंने बिल्कुल लूज जो स्लीव्स होती है ना वो रखवाई थी, ताकि ये पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी जो है वो इसमें आ जाए। तो ये था मेरा ये वाला ड्रेस, और ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही है। और इसके साथ जो है वो मैं ब्लैक दुपट्टा ले लेती हूँ। ब्लैक और वाइट दुपट्टा तो हर एक के साथ चला जाता है, ये टू पीस सूट था तो इसके साथ मैं ब्लैक दुपट्टा ले लेती हूँ। अच्छा, ये है एक मेरा एक और ड्रेस, इस पे भी बिल्कुल ये देखिए यहाँ जो है ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखिए ये बड़ी प्यारी सी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ब्लू और येलो कलर की। इसमें मैंने ये इसी तरह साइडों पे पाइपिंग लगवा ली थी, और इसका जो गला है वो इस तरीके से है। और ये भी मेरा खाड़ी का ही ड्रेस है, ये भी टू पीस था। इसके साथ भी मैं मल्टी शेड में ही दुपट्टा ले लेती हूँ, कभी येलो ले लेती हूँ, कभी ब्लू ले लेती हूँ। तो इस तरह की जो जॉर्जेट की दुपट्टे, शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, वो हर एक के साथ चल जाते हैं। और ज़्यादातर मेरी जो होती ही है शलवारें होती हैं, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी बनाई थी, ट्राउजर्स स्ट्रेट पैंट्स वगैरह बनाई हैं बहुत, लेकिन अब मैं जो हूँ ज़्यादातर लास्ट ईयर से जो है वो शलवार ही कर रही हूँ, क्योंकि आजकल शलवारों का फैशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा दोबारा से आ गया है। तो बस ये था मेरा दूसरा ड्रेस। अच्छा, ये एक जो है ये एक और मेरा ड्रेस है, ये बिल्कुल प्लेन सिंपल सा ड्रेस है। बस यहाँ ये जो है मैंने इस तरह के जो बटन पिन बटन्स होते हैं ये मैंने यूँ लगा दिए थे, और साथ में इसके मैंने ना चाक वगैरह पे जो है इस तरह की पाइपिंग लगाई थी। और ये पाइपिंग, बस ये सिंपल सा मेरा ड्रेस था, और इसकी शलवार थी, और इसका जो दुपट्टा था वो जो दुपट्टा है ना ये है दुपट्टा, तो ये जो था दुपट्टा फुलकारी दुपट्टा है मेरा। इसकी पाइपिंग के साथ जो इसकी पाइपिंग हुई हुई थी इसके साथ जो है ना वो मैंने मैच किया था अपना सूट। तो ये जो है इस तरह का जो है ये मेरा फुल इसकी लुक है, और ये इस तरह है बहुत इसी, ये बड़ा अच्छा लगता है ये, क्योंकि शर्ट और वगैरह जो है वो डार्क कलर में है और दुपट्टा ज़रा लाइट सा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने पहले दुपट्टा लिया था, फिर उसके बाद जो है ये मैंने इसका साथ इसके साथ सूट बना लिया था ये। अच्छा, ये एक मेरा एक और सूट है,
ये प्रिंटेड है, ये इस तरह का है। और ये मैंने इसकी ना फ्रंट ओपन शर्ट बनवाई थी, लेकिन जो है ना मुझे इस उन्होंने टेलर ने ना बिल्कुल इतनी सही बिल्कुल सी के नहीं दी, क्योंकि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये फ्रंट ओपन है। तो वो जो पाइपिंग लगाते हैं ना तो उससे ज़रा पता चलता है। खैर फिर मैंने खुद जो है ये इस तरह के जो टसल्स वगैरह मिलते हैं ये मैंने फिर खुद ही लगा लिए थे। तो ये जो मेरा सूट है इसकी भी बेल शेप जो है वो स्लीव्स हैं, ज़्यादातर बेल शेप सी स्लीव्स होती है मेरी। और ये जो है ये मेरा जे डॉट का सूट था, और इसका जो दुपट्टा है वो ये है दुपट्टा इसका, ये इस तरह का है, लॉन का है। और एक ये मेरा एक ये सूट है, ये चिकन का सूट है, इसके जो दामन पे इस तरह का बना हुआ है, ये बहुत प्यारा सा लाइट कलर का है, पूरी शर्ट पे ही इस तरह का बना हुआ है। इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे मतलब प्रिंट है, स्लीव्स पे कुछ नहीं बना हुआ। ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। इसकी वाइट जो है वो शलवार है, और इसका जो दुपट्टा है वो इस तरीके का है। तो ये भी और गला इसका भी बिल्कुल सादा सही है। अच्छा ये एक मेरा कुर्ता है, रेडी टू वेयर कुर्ता है, ये जे डॉट का था, फ्रेट कलेक्शन इनकी, और ये काफ़ी मेरा पुराना हो गया। और इसकी ये स्लीव्स हैं इस तरीके की, ये स्लीव्स हैं इसकी, खुली सी स्लीव्स हैं, और ये बिल्कुल इस तरह का इन्होंने यहाँ ये इस पे कलियाँ डाली हुई हैं, और इसकी इस जो चाक हैं वो इस तरीके से, ठीक है। और ये सिर्फ कुर्ता था। अच्छा इसके साथ जो दुपट्टा है वो इस तरह का है, ये मैं ले लेती हूँ, खैर चला लेती हूँ क्योंकि, और ये मेरा जो दुपट्टा है ना ये बहुत पुराना दुपट्टा है, ये मेरे जहेज का दुपट्टा है, किसी सूट के साथ का था, तो वो मैंने ना इसके साथ चला लिया। इसके साथ मैं वाइट ट्राउज़र भी पहन लेती हूँ, कभी ब्लैक पहन लेती हूँ, तो वाइट और ट्राउज़र तो हर एक के साथ चल जाता है। अच्छा ये एक और जो है वो ड्रेस है, ये बिल्कुल देखिए इसकी ये हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई भी है इसकी, और इस पे मैंने ये जो है ना कलियाँ, हाँ ये जो है ना मैंने इस तरह लेस लगवा के कलियाँ लगवाई थी इस तरह, और इसके ये पूरी नीचे तक लगाई थी, और इसके चाकों पे भी मैंने ये लगाई थी, ये देख लें ये कलियाँ इस तरह से कट करके लगवाई थी मैंने, और ये बिल्कुल इसकी हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। इसकी स्लीव्स पे भी मैंने यूँ करके लगवाया था। इसके साथ जो है वो मैं ये सिर्फ शर्ट थी, और आपने यूट्यूब पे जो है वो देखा होगा नादिया महबूब कलेक्शन, जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी की ही सूट सेल करती हैं, ये मैंने उनसे ऑनलाइन मंगवाया था। और ये इसकी जो है ना ये शलवार है, वाइट शलवार जो है ना, मेरे पास दो तीन शलवारें हैं वाइट, दो शलवार और ट्राउज़र, तो वो मैं जो हूँ ना ज़्यादातर हर सूट के साथ चला लेती हूँ। तो ये मैंने इस तरह की ये शलवार बनवाई हुई है ये, और एक जो है वो मेरे पास दो वाइट दुपट्टे हैं, तो ये जो है ना एक इसके साथ जो है वाइट दुपट्टा ये वाला, तो ये जो है ना वो मैं इसके साथ ये पहन लेती हूँ। तो ये है इसकी फुल लुक। अच्छा ये जो है ये एक और मेरा बहुत लाइट कलर का और हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये चिकनकारी का सूट है। लोग चिकन जो चिकन के सूट होते हैं उनको चिकनकारी कहते हैं, वो चिकनकारी का नहीं होता, चिकनकारी इसको कहते हैं, ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है इसको चिकनकारी कहते हैं। अच्छा इसका ये भी मैंने रेडीमेड लिया था, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये इसकी जो है ये इसका गला बना हुआ है, ठीक है, और इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, सिंपल सी स्लीव्स हैं, बस सिर्फ ये सादा कुर्ता था, और ये इस तरह का है। इसके साथ भी मैं वाइट सलवार और वाइट दुपट्टा जो है वो लेती हूँ। अच्छा ये एक मेरा सूट है, बहुत लाइट लेमन से कलर का सूट है। अच्छा इसका जो ये गला है ये आप देख लें कि ये इस तरह से मैंने ये लेस लगवाई थी, और इस पे इसकी शर्ट पे भी ये जो है ना फुल एम्ब्रॉयडरी ही हुई हुई है धागे की इस तरह से। तो ये इसका मैंने यूँ बनवाया था, ये आप देखेंगे। इसके साथ भी मैं यही वाइट सलवार और दुपट्टा वाइट ले लेती हूँ, और इसकी स्लीव्स जो है ना वो मैंने इस तरह से खुली सी लूज सी बनवाई थी कुर्ता स्टाइल में, और आगे से ये मैंने इस तरह बनवाया था ये करके खुद ही से। तो ये था मेरा
दूसरा ड्रेस। अच्छा ये जो है एक और मेरा ये ड्रेस है, ये लॉन का है, ये जे डॉट का है, और ये जो है ना इसके साथ पैच सा मिला था, सिल्क की सा पैच है, तो ये वो जो है मैंने यहाँ लगवा लिया। ये भी यहाँ से पाइपिंग करके लगवाई है, और ये जैसी ड्रेस उस पर पिक्चर में था, यहाँ से योक डाल के ऊपर प्रिंट और यूँ करके लगाया है। इसकी भी जो है वो बेल शेप ही स्लीव्स हैं। इसकी मैं आपको बैग भी दिखा देती हूँ, ये देखें ये इसकी जो बैग है ना, बैग पे भी इस तरह से प्लेट करके दिखा दें। ये जो है ये इसका दुपट्टा है, काफ़ी प्रिंट वाला है ये इसका। अच्छा इसकी मैं आपको शलवार भी दिखाती हूँ, इसकी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट सी शलवार थी, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इस तरह ये जो है शलवार पे कट लगाए में, ये इस तरह का आप ट्राउज़र भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने शलवार बनवाई थी, तो ये उसका मैं आपको बता दूँ। अच्छा ये एक मेरा बिल्कुल वाइट सा कलर का सूट है, इस पर भी आप देख रहे हैं कि हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी का कपड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे दूसरी एम्ब्रॉयडरी के मेरे पास भी वो भी कलेक्शन काफ़ी है, दूसरी एम्ब्रॉयडरी की एम्ब्रॉयडरी मुझे ज़्यादा अच्छी ही लगती है, और हैंड एम्ब्रॉयडरी तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस पर देखिए ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये मैंने इसी तरह की पाइपिंग लगाई थी। मेरे ज़्यादातर सूटों पर इस तरह की पाइपिंग लगी हुई होती है, कंट्रास्ट में लगाई थी, और इसका इस तरह का गला है। ये मैंने लाहौर से लिया था ये सूट, और ये देखें इसका ये वाइट में, और इसका जो दुपट्टा है वो भी इसी तरह का, इसके साथ वाइट सलवार है, और ये इस तरह के दुपट्टे पे भी इसका ये हुआ है। और ये मैंने इसकी जो है ये, बल्कि इस पर ये पीको जो है ये पूरा दुपट्टा बना हुआ था, इस पर कुरैशिया बनी हुई थी ये। अच्छा अब मैं आपको जो है ना अपने ईद की कपड़े दिखाऊंगी। ईद के कपड़े जो है वो मैंने इतने मतलब खुद अभी जो मेरे पास पड़े हुए थे मैंने वही स्टिच करवाए हैं, मैंने खुद जाके इस दफ़ा बाय नहीं किए, तो जो लास्ट ईयर कपड़े मिले थे या लिए थे मैंने, तो वही मैंने स्टिच करवाए हैं। तो ये मेरा एक सूट है, ये फुलकारी का इस पर काम हुआ हुआ है, ये मैंने फर्स्ट डे के लिए रखा है ईद के, तो ये इस पर सारा फुलकारी का काम हुआ हुआ है। इसकी स्किन कलर की इस तरह की शलवार है, और ये इसकी स्लीव्स हैं, ये पूरा जो है ये इसका दामन है, और इस पे तो वैसे काफ़ी ही कलर्स हैं, तो मैंने जो है वो सूट सोचा कि इसके साथ जो है वो रेड दुपट्टा ले लेती हूँ, और फिर रेड दुपट्टा मैंने लिया, और ये जो लेस है ये फिर मैंने लेके, ये लेस जो है ये फिर मैंने खुद ही लगा ली थी, दुपट्टा लेके लेस लगा ली थी मैंने ये, तो ये इस तरह का मेरा ईद का ड्रेस है ये। अच्छा ये एक और मैंने अपना लॉन ही का सिलवाया है ईद ही के लिए, क्योंकि गर्मी है तो सिंपल ही सूट चलेंगे, ज़्यादा फैंसी नहीं चलेंगे। ये जो है ये सेकेंड डे पे चल जाएगा ये सूट, ये इस तरह का सूट है, और इसकी ये बेल शेप जो है वो स्लीव्स हैं। ये अलमीरा का है मेरा सूट, और इस तरह मैंने इस पर जो है ना ये पाइपिंग लगा के और यूँ किया था। इसकी ये लाइट ब्लू कलर की शलवार है, इसका दुपट्टा जो है ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, इस तरह का जो आजकल चल भी रहे हैं थोड़ा सा ऑर्गेन्जा टाइप का जो होते हैं वो दुपट्टा है इसका। अच्छा एक और ये मैंने सिलवाया, ये थर्ड डे के लिए सिलवाया है, बल्कि अब ईद पे ही बंदा पहनता है, इस दफ़ा तो ईद पे कहीं आना जाना है नहीं, तो बस ये कि आगे गर्मियां भी हैं तो ये गर्मियों में ये सूट ही चलेंगे। तो ये एक सूट है, इसके देखें गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और छोटे छोटे जो फूल बने हैं ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये जो है ये मेरा खाड़ी का ड्रेस है, और इसके ये इस तरह दामन पे ये है, इसकी भी जो है वो बेल शेप जो है वो स्लीव्स हैं इस तरह, और इसका जो दुपट्टा है वो ये लॉन का दुपट्टा है। बस यही तक थी मेरी ड्रेस कलेक्शन, और यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद है कि आप मेरी ड्रेस कलेक्शन देख के बोर नहीं हुए होंगे, एंजॉय किया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो सॉरी, मैंने कोशिश की है कि छोटी बनाऊं, और
आपको मेरी ड्रेस कलेक्शन अच्छी लगी हो और ईद के कपड़े अच्छे लगे हों तो मुझे, बल्कि फर्स्ट डे का ही होता है, सेकंड डे थर्ड डे का तो इतना मसला नहीं होता, कैसे लगे हैं सारे कपड़े मुझे आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह एडवांस में ही आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।